और बात कहना चाहती थी फ्रेंड्स आप सभी लोगों से, क्योंकि देखिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, रात दिन हो जाता है, जो वीडियो बनाता ना है, जो वीडियो जो यूट्यूबर है वो समझ सकता है कि कितना वक्त लगता है ये सब करने में और कितना मेहनत लगता है। तो आप एक वीडियो बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं होता, लेकिन वीडियो को एडिट करके फिर उसको पोस्ट करना, उसको अपलोड करना बहुत बड़ी बात होती है। और ज़्यादातर एक हाउस वाइफ के लिए, क्योंकि वो घर का काम करके फिर वीडियो एडिटिंग, फिर उसको अपलोड करना, फिर एक्सपोर्टिंग करना, बहुत ज़्यादा काम होता है, तो आप लोग समझ सकते हो। तो अगर हम किसी भी चीज़ को करते हैं ना, और उसकी मतलब हमारी मेहनत के हिसाब से अगर हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, कुछ उसका जो फल होता है वो नहीं मिलता है ना, तो बहुत ही ख़राब लगता है। और वैसे तो 3 महीना हो चुका है मेरा जो YouTube चैनल है मैंने इसको ओपन किया है, तो अभी तक हाँ ज़्यादातर 200-300 ऐसे व्यूज़ आते हैं मेरे वीडियो में, और कुछ वीडियो में तो इतना भी नहीं आते हैं। आपको मैं बता रही हूँ, आप लोग देख रहे हो तो जान रहे हो कि तो बहुत ही बुरा लगता है। और सबका होता है ऐसा, मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरा खुद का ऐसा होता है, सबका होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही यूट्यूब में हम लोग आगे जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे आप लोग अगर और ऐसा होता है ना कि जितना व्यूज़ आते हैं ना उतना लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस देखते हैं और चले जाते हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब ही तो नहीं है, बस आप लोग कुछ जो सब्सक्राइब ही तो करना है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है हम लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग देख रहे हो ना, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके ही जाना मेरे चैनल को, और आपकी एक सब्सक्राइबन से हमें बहुत ही सब्सक्राइब आपकी एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, और एक से ही 2 होते हैं, 2 से 3 होते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि होता ये है कि अगर आप हमारे वीडियो को लाइक, जितना मुझे लाइक मिलेगा ना उतना मेरा जो वीडियो है सजेशन पे आएगा और लोग उतना देखेंगे, तो लाइक का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है यूट्यूब पे। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब में किसी का कुछ मतलब और किसी का कुछ नहीं जाता है, ना ही एक पैसा लगता है आप लोगों से, कुछ आपका एक पैसा भी नहीं लगता है लाइक और सब्सक्राइब करने से। तो आप लोग क्यों नहीं करते हो मैं खुद भी नहीं जान पा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग कर दीजिए, कर दिया कीजिए सब्सक्राइब और लाइक अगर अच्छा लगे। और अगर आप लोग डिसलाइक कर रहे हो ना, तो प्लीज़ आप लोग उसका वजह बता दीजिए मुझे कि आप लोग किस वजह से मेरे जो वीडियो है उसको डिसलाइक कर रहे हो। और वैसे तो डिसलाइक करने का मतलब यही है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा, तो मेरे वीडियो में आपको कौन सा चीज़ अच्छा नहीं लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं जान पाऊँ कि ये चीज़ मेरी जो है किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ना कमेंट करके बता दीजिए कि मेरा कौन सा चीज़ आपको बुरा लगा या फिर अच्छा नहीं लगा, तो ताकि मैं अगले से ध्यान रखूँगी कि इस चीज़ को मैं सुधार सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना इस बारे में। और तो अभी मैं मेरा जो मिर्च का सॉरी सीरियस होके फिर ना थोड़ा सा चेंज होना पड़ता है, तो आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने जो गोबर में लीप चुकी हूँ और कल के लिए है ये सब तैयारी। तो अभी मेरा आंगन भी मैंने धो लिया है, बस पोछा लगाना बाकी है। तो अभी चलिए मैं किचन में कुछ काम कर लेती हूँ, और अभी मैं चाय चढ़ाई हुई हूँ मेरे लिए, और चाय के बाद मैं थोड़ा सा 1-2 चीला भी बना लूँगी नाश्ते में मेरे लिए। तो बस, और सुबह सुबह अगर अच्छा नाश्ता ना करो ना, थोड़ा सा हल्का नाश्ता करो ना, तो फिर जो है बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, तो इसलिए मैं सुबह का नाश्ता ना अच्छे से करती हूँ, भले ही खाना मैं कम खाऊं बट नाश्ता को मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो चलिए फिर बना लेती हूँ मैं नाश्ता।
और आप लोग सोच रहे होगे ना कि ये हमेशा चीला ही बनाती है, तो हाँ फ्रेंड्स ये ना बहुत ही सुविधा होता है बनाने में, क्योंकि ये रेडीमेड है और आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग रेडीमेड बना के रखते हैं तो ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसको ही बना लेती हूँ। और यहाँ पर ना इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में, तो बस यही बनाती हूँ मैं, और आप लोग जो सोचना है सोच सकते हो। तो और कुछ बनाओ ना तो फिर पसंद नहीं करते यहाँ के लोग, तो ज़्यादातर चीला ही खाते हैं, तो मैं अकेली हूँ ना तो इसीलिए मैं भी चीला ही बना लेती हूँ किसमें, क्योंकि इसमें ना कुछ मेहनत नहीं लगती है, बस निकालो और घोलो और फिर बना लो, फटाक से हो जाता है। तो अभी मेरा जो चीला है बन चुका है, तो अभी मैं कर लूँगी नाश्ता और आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता मेरे साथ। और आप लोगों ने आज क्या क्या बनाया है नाश्ते में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मेरा चाय और जो चीला है मैंने अभी नाश्ते में इंजॉय करूँगी, और इसको मैं खा लूँ ना तो फिर दिन भर अगर मुझे खाने को ना भी दो ना तो फिर चल जाएगा मेरा। तो चलिए कर लेती हूँ मैं नाश्ता, और अभी मैं आ गई हूँ जो हम लोग बर्तन धोते हैं ना वहीं पे, और यहाँ पे ना मैं मूँग की दाल जो है मैं इसको भून कर फिर इसको मैं धो के सुखा लूँगी, क्योंकि मैंने पहले ही दिन से भून लिया था इसको, तो आज बस मुझे इसको धोकर सुखाना है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर निकलते हैं, मिट्टी वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको धो के एक दो बार धो के उसकी जो मिट्टी कंकड़ पत्थर है उसको निकालूंगी मैं, और फिर मैं इसको सुखाऊंगी और फिर इसको दाल बनाऊंगी। तो इसमें ना बहुत खाने में बहुत टेस्टी है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इसमें, और पहले लाओ मूंग की दाल को और फिर इसको भूनो, और फिर भूनने के बाद इसको साफ़ करो, साफ़ करने के बाद ना इसको फिर सुखाओ, और सूखने के बाद फिर इसकी दाल बनाओ, तो बस बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन शरीर के लिए भी अच्छा होता है ये दाल और खाने में भी टेस्टी होता है। तो हम लोग कभी कभार मैं एक दो तीन महीने में ले आती हूँ, और एक दो किलो ले आऊँ ना तो फिर हम दोनों मेंबर्स के लिए ना बहुत दिन चल जाता है ये, तो हम लोगों को ना मिक्स दाल खानी चाहिए, कभी कभी एक ही दाल नहीं खाना होता है, कभी कभी अलग अलग वेराइटी का दाल भी खाना चाहिए, शरीर के लिए अच्छा होता है। तो बस इसीलिए मैं सोची कि क्यों मैं इस बार मूंग दाल ले आई हूँ, और अभी मैं इसको इस तरह से धो लेती हूँ, आप लोग देखना कितना ज़्यादा पत्थर निकलेगा इसमें से, तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा कंकड़ और पत्थर निकले हैं और कितना मिट्टी है, और अगर हम लोग इसको ना नहीं धोते ना तो ये सब हमारे पेट में जाता, तो देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा गंदा है ये। तो बस इसी तरह से धोकर फिर मैं अभी सुखा लूँगी इसको, और अभी हमारा यहाँ ना सप्लाई पानी आता है तो अभी तक नल दे रहा है, क्योंकि बहुत लेट तक देता है और जल्दी, मतलब बहुत जल्दी सुबह सुबह ही देता है नल, तो हम लोगों को पानी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ। तो अभी मैं उसको ना थोड़ा सा सूप में रख दी हूँ, उसको थोड़ा सा पानी को मतलब सूख जाए मेरा, फिर मैं इसको सुखाऊंगी। तो अभी यहाँ पे मेरी सासू माँ जो है वो मार्केट गई थी, तो मैंने कुछ मंगवाया था उनसे तो वो लेके आई हैं, तो मेरी जिठानी के लिए भी लेके आई हैं, और घर पे कोई नहीं है ना तो इसीलिए मेरी सासू माँ को मार्केट जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई घर से नहीं निकलते हैं जो बहुए होते हैं। तो बस मैं तो एक दो बार गई भी थी, लेकिन बहुत मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत उनको अच्छा नहीं लगता हमारा घर से निकलना, तो बस इसीलिए मेरी सासू माँ लेके आई हैं।
तो अभी मैं जाऊंगी, जो मूंग की दाल है उसको सुखा लूंगी, क्योंकि आज ज़्यादा अच्छा से धूप नहीं निकला है, थोड़ा थोड़ा बादल भी मतलब छाए हुए हैं, तो हल्का हल्का धूप निकल रहा है आज, तो फिर भी मेरा जो मूंग है वो सूख जाएगा। तो अभी मैं यहाँ खटिया में सुखाऊंगी मूंग को, और छत पर सुखाती, लेकिन ना उस छत पर फिर खटिया लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बस इसीलिए मैं इसको ना आंगन में ही सुखा लूँगी। और हमारा कबूतर का घर भी है यहीं पे, तो सुखाने के बाद ना वो सब लोग यहीं पे ही लग जाएंगे खाने में, तो इसीलिए मैं इस तरह से साड़ी में सुखाती हूँ, और उसी साड़ी को ना ढक भी देती हूँ ताकि इसमें कुछ भी चिड़िया वगैरह ना बैठें, क्योंकि बैठते हैं ना तो फिर खा लेते हैं और अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी इस तरह से बैठने से। तो बस इसी को मैं ना सुखा कर फिर इसको ढक दूँगी, तो थोड़ा सा पतला साड़ी लिया है मैंने ताकि ये ढकने से भी सूख जाए आराम से। और माँ ही तो अभी स्कूल गई हुई है, और अभी टाइम हो रहा है शायद 11:30-12 बज चुके होंगे। आप लोग देख सकते हो इसको मैंने यहाँ पे रखा ही नहीं कि वो कबूतर सब आने लगे हैं, तो बस ऐसे ही होता है आंगन में सुखाने से, आप कुछ भी चीज़ रखो ना तो फिर फट से जो कबूतर सारे हैं ना वो सब लोग आ जाते हैं उसको बर्बाद करने के लिए, तो इसीलिए ना अच्छा नहीं लगता यहाँ पे सुखाना। और यहाँ पे धूप जो है ना वो ज़्यादा टाइम तक तो नहीं रहती है, फिर भी मैं आज यहीं पर ही सुखा लेती हूँ। और ऊपर चढ़ने में भी ना, छत चढ़ने में भी कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता, प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैं कभी कभी मतलब आलस हो जाती हूँ मैं। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और ये मैंने अपनी सासू माँ से जो है, आलू नहीं था मेरे पास तो मैंने आलू कुछ मंगवाया है, और हस्बैंड नहीं है तो कुछ और सब्ज़ी नहीं लाई हूँ मैं, बस आलू टमाटर ही है मेरे पास और ज़्यादा कुछ सब्ज़ी नहीं है, तो जब भी ज़रूरत होती है तो आलू या फिर टमाटर कर लेती हूँ। तो ये मिर्च है और इस मिर्च का मैं आज अचार डालूँगी, तो इसीलिए मंगवाया है। और ये जो मिर्च है ना बड़ा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा है साइज में और लंबा नहीं है, बस थोड़ा सा गोल गोल टाइप का है, तो इस मिर्च को ना आप अगर अचार डालोगे ना ये बहुत ही अच्छा लगता है, ज़्यादा तीखा वाला नहीं होता ये। तो बस मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अचार डालूंगी भूल के, लेकिन ना ऐसा मिर्च कभी कभी मार्केट में नहीं आता है, तो बस इसीलिए मैं ना नहीं डाल रही थी। और मैं आज जो मेरी जिठानी के लिए वो लेके आए थे मेरी सासू माँ, तो मैंने देखा और फिर मैंने भी कहा कि वो मेरे लिए भी ले आए, तो इसलिए वो मेरे लिए भी लेके आए हैं। तो अभी मैं इसको धो के थोड़ा सा पानी सोखने तक रख लूँगी, और फिर और पानी इसमें ना थोड़ा भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर अचार ना अच्छा नहीं बनता है। तो अभी मैं इसके लिए मसाला निकाल रही हूँ, और इसमें ना मैं सरसों के दाने जो होते हैं उसकी मसाला बनाऊंगी, तो मैंने 3 चम्मच सरसों के दाने ले लिए हैं, और कुछ लहसुन और अदरक भी लेना था मुझे, लेकिन अदरक मेरे पास नहीं था तो इस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग, और गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह जो है ना मैंने अपना जो ब्लॉग है मैंने स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा सा काम था आज। क्या है ना, कल जो व्रत होता है हम लोगों का, तो आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो मुझे तो नहीं पता है उतना, लेकिन हमारे यहाँ जो सुदशा व्रत बोलते हैं इसको, उड़ीसा में इसका ज़्यादा मान्यता है इस व्रत का, तो हम लोग कल वही व्रत बांधने वाले हैं, जो ये वाला जो येलो कलर का मैं पहनी हूँ ना वही वाला व्रत है कल। तो बस उसी के लिए ना हम लोगों को थोड़ा सा सुबह से जो है ना मैंने गोबर लिपा पूरा, जितने भी जो मिट्टी का मतलब जगह है घर है उसमें मैंने गोबर लिपा है, और फिर जो मैं हमारे आंगन है उसको धोया हुआ है, और अभी मैं पोछा तो नहीं लगाई हूँ, तो आज शाम को या फिर कल सुबह को मैं जो है पोछा भी लगा दूँगी। तो इसी तरह से हम लोग तैयारी करते हैं जो व्रत होता है उसकी, तो आप लोग को मैं ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से हम लोग ये सुदशा व्रत करते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर देखना मेरे वीडियो को। और प्लीज़ मेरे वीडियो को, अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, और कि हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ आप लोग मुझे हेल्प कीजिए। और अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मिर्च का अचार। तो चलिए मैं किस तरह से आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से मिर्च का अचार बनाती हूँ, तो चलिए फिर देख लीजिए आप लोग। और ये अचार जो है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है, इसको आप ना जो चीला होता है उसमें भी खा सकते हो और रोटी में भी खा सकते हो। और ये जो मिर्च है ना, ये वाला ज़्यादा तीखा वाला नहीं है, थोड़ा सा मतलब मीडियम है, ज़्यादा तीखा नहीं है कि पूरा मतलब, ये मीडियम मिर्च है, ज़्यादा तीखा वाला मिर्च नहीं है ये, तो इसका मैं अचार डालूंगी। और इसमें मैंने 3-4 नींबू लिए हैं, जितना मुझे इसमें ज़रूरत होगा मैं उतना ही दूंगी, तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो इसमें मैंने ना ये जो सरसों के दाने होते हैं, और 2-3 चम्मच मैंने इसमें सरसों के दाने लिए हैं, और कुछ लहसुन लूंगी, और अदरक नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं इसमें अदरक भी डालती। और इसमें प्याज देना नहीं होता है, ये बिना प्याज का ही बनता है। तो चलिए फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ मिर्च का अचार। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करती हैं बनाना। तो चलिए अभी मैं इसको पीस के लाती हूँ, और फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं इसका अचार कैसे डालती हूँ। और मिर्च मेरा अभी सूख चुका है पानी उसका, तो अभी मैं इस तरह से बीच में से कट करके सारे मिर्च को जो है काट लूँगी। और इसका जो डंठल है ना, उसको रहने देने से भी कुछ नहीं होता है, और इसको अगर आप चाहो ना, आपको पसंद ना हो तो इसको निकाल भी सकते हो, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं इसको रहने दे रही हूँ। तो अभी ऊपर खड़े खड़े इतना मिर्च काटना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो मैंने अभी नीचे बैठ कर इसको काटना शुरू कर दिया है। तो चलिए अभी मैं अपना जो सारा मिर्च है वो काट लेती हूँ, और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो अभी मैं इस तरह से ना इस मिर्च को जो है बीच में से कट कर रही हूँ, और इसको बीच में से कट करना होता है क्योंकि जो नींबू और हमारा जो नमक है ना, वो अच्छे से इसके अंदर तक जाए, तो इसीलिए मैं इसको इस तरह से कट कर रही हूँ। अगर आप लोग कभी भी इसको ट्राई करो ना, तो इस तरह से आपको कट करना होगा मिर्च को। और इसका जो डंठल होता है ना, वो रहने से भी चलेगा, इतना कुछ भी इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बस मैं इस तरह से इसको ना बीच में से कट करके फिर इसको थोड़ा सा भूनूंगी तेल में, और इसमें ना मैं सरसों का तेल देने वाली हूँ। तो हम कुछ भी अचार बनाते हैं ना, तो फिर सरसों का तेल ही दिया जाता है, तो बस मैं सरसों का तेल दूंगी इसमें। और ये अचार जो है ना, इसको ना हम लोग, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि बनाऊंगी बोल के, लेकिन नहीं बना रही थी, तो आज फाइनली मुझे लगा कि, और इस तरह का मिर्च जो होता है ना, वो हमेशा मार्केट में नहीं आता है, कभी कभी जो लंबे लंबे साइज का होता है ना मिर्च, तो वही वाला आता है, तो उसमें ना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। तो आज मैंने, मेरी सासू माँ जो है मार्केट गई थी, तो वो ना मेरी जिठानी जी के लिए इस तरह का मिर्च लेके आई थी, तो मैंने भी इसलिए उनको कहा कि मेरे लिए वो ले आए, तो बस मेरे लिए भी इसलिए ऐसी ही मिर्च लेके आए हैं। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इसकी अचार डालती हूँ। और आज दिन है, आज बुधवार है, और कल है गुरुवार, और कल व्रत है हम लोगों का, और परसों है जो एकादशी, तो उसका व्रत भी मैं रखती हूँ एकादशी का। तो एकादशी भी, जब भी हम एकादशी रखते हैं ना, तो उसके अगले दिन से ही हम लोगों को उसके कुछ नियम होते हैं जो कि मानना पड़ता है। तो ठीक ही है कि कल गुरुवार है, तो कल वैसे भी हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाने वाले हैं, तो बस एकादशी में जब भी हम लोग एकादशी करती हूँ ना मैं, तो बस दूसरे पहले दिन से ही एकादशी के लिए जो है मतलब कुछ कुछ नियम उसके पालने होते हैं, कुछ कुछ नियम उसके मानना पड़ता है। तो लहसुन और प्याज दूसरे पहले दिन से ही नहीं खाना होता है हमको, तो बस कल तो वैसे भी गुरुवार है, तो हम लोग तो वैसे भी नहीं खाएंगे क्योंकि कल व्रत है, तो मेरा हो जाएगा एकादशी का भी जो नियम है वो पालन हो जाएगा कल।
तो बस अभी मैंने सारे जो मिर्च है ना उसको कट कर दिया है। तो चलिए अभी हम लोग बना लेते हैं मिर्च की अचार। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं और मैंने ना खाना भी नहीं बनाया है अपने लिए। और अकेले रहो ना तो यही फायदा होता है कि खुद के हिसाब से ही बनाना पड़ता है। आप जो जब चाहो बना सकते हो, और जब हस्बैंड होते हैं, जब मेरी सासु माँ होती है ना, तो उनके लिए ना टाइमली मुझे बनाना पड़ता है। वो टाइम पे खाएं या ना कहें, बनाना ही पड़ता है। तो बस यही बात है। और मैं खुद के लिए कभी भी बना के खा लूँगी तो इतना कुछ टेंशन नहीं होता है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी अपनी मिर्च का अचार। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताना मुझे कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। और आप लोग ना जो भी मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो ना, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ही बताना कि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और अगर इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना हो ना, कि आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि नहीं इसमें ये होना चाहिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो बनाना चाहिए, अगर आपका खुद का कुछ ओपिनियन है मेरे लिए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कर पाऊँ आपकी रिक्वेस्ट पर। आप जिस तरह से बोलेंगे ना, मैं कोशिश करूँगी उस तरह से करने की। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना। तो अब चलते हैं, बनाते हैं अचार। और मैंने अभी मिर्च जो है काट लिया है, तो अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैं थोड़ा सा सरसों का तेल ले रही हूँ। और इसमें मैं जो मिर्च है ना उसको तो भून लूँगी, और ज़्यादा नहीं भूनना है मुझे इसे, बस थोड़ा सा भूनना है। तो बस इसको मैं भून लूँगी ताकि जो पानी, थोड़ा भी पानी अगर हो ना तो वो सूख जाए। तो बस इसको मैं अभी भून लेती हूँ और फिर मैं इसमें जो मसाले होंगे वो डालूँगी। और इसको ज़्यादा जो है ना रेड कलर तक नहीं भूनना है, बस थोड़ा थोड़ा सा हो जाए। और बस फिर मैं इसमें जो सरसों का जो मैंने मसाला तैयार किया है ना उसको दूंगी। और ये ना जल जाने से फिर ये अच्छा नहीं बनता है। तो बस मैं इसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी मैं इसको। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें ना थोड़ा भी पानी नहीं देना है हमें, नहीं तो फिर ये अच्छा नहीं बनेगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा ना तेल ही देकर भून रही हूँ इसको। तो आप लोग भी अगर कभी बनाओगे ना तो इसमें तेल ही देना, और बिल्कुल थोड़ा सा भी पानी ना मसाले में ना हो ही मिर्च में, किसी में भी आपको पानी नहीं देना है। और मिर्च को धो के ना आप थोड़ा सा सुखा लो, उसका पानी जो है वो सारे जो सूख जाए, और फिर इसको आप लोग बनाया करो। तो बस ये मैं इसको और नहीं ढकूंगी, मेरा जो मिर्च है वो भून चुका है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी और फिर मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी, और फिर मैं इसमें जो सरसों का मसाला है उसको डालूंगी। और अभी मेरा मिर्च हो गया है, तो अभी मैं इसमें जो मसाला है वो डालूंगी। और फिर से मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, और इसे अचार, किसी भी अचार को ना अगर सरसों के ऑयल से ही बनाया जाता है। तो अभी मैं जो मसाला डाली हूँ ना उसको ज़्यादा नहीं भूनूंगी, थोड़ा ही भूनूंगी, क्योंकि ये जो और इसका टेस्ट ना फिर कड़वा हो जाता है। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा ही भूनूंगी। और उसको भून, मेरा अभी जो मसाला है भून चुका है, तो अभी मैंने जो भून कर रखा हुआ था मिर्च उसको डालूंगी इसमें, और फिर मैं दोनों को मिक्स कर दूंगी अच्छे से कड़छी के सहारे। तो बस अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो इसको मैं ना ढक्कन लगा के फिर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये थोड़ा सा मिर्च जो है ना थोड़ा सा मसाला को एब्जॉर्ब कर ले और थोड़ा सा मुलायम हो जाए। और इसमें मैं थोड़ा सा मैं नमक डाली हूँ, और मैंने स्वाद के अनुसार नमक नहीं डाला है, क्योंकि मैं जो मेरा नींबू का पानी है उसमें जब मैं डालूंगी ना उस तभी मैं इसको अच्छे से नमक डालूंगी। तो बस अभी मैं जो नींबू है, मुझे जिस नींबू का जो रस है उसको निकालना है, तो अभी मैं नींबू को इस तरह से निकाल रही हूँ। और इसमें नींबू देने से ना और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है, सच में। आप लोग ज़रूर कीजिए इसको अगर आप लोग नहीं करते हो ऐसा। तो सारे नींबू के रस को मैं इस तरह से निचोड़ लूँगी। तो अभी मेरा जो मिर्च है वो हो चुका है, ठंडा हो चुका है। तो होने के बाद ना फिर मैं इसको ठंडा भी कर ली थी, तो ठंडा होने के बाद ही आप इस तरह से करें। और ठंडा होने के बाद ही आप एक डिब्बा, एयरटाइट डिब्बे या फिर कोई जार हो तो उसमें डाल दें,
सारे मिर्च को, और फिर ना उसमें जो नींबू का रस है उसको आप डाल दीजिए, और फिर ना उसमें जितना नमक चाहिए होगा, क्योंकि नींबू का जो रस होता है ना उसमें थोड़ा नमक लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा खट्टा होता है, तो इसलिए ज़्यादा नमक लगता है। तो बस मैं इसमें नींबू का पानी को अभी डाल दी हूँ, और फिर मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दूँगी, और नमक को मैं बाद में नींबू का पानी देने के बाद ही डाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो बस अभी मैं नींबू का पानी और नमक को अच्छे से मिला लूँगी ढक्कन को लगा कर, और फिर मैं इसको धूप में एक दो धूप में दिखा दूँगी इसको, लेकिन अभी तो धूप का जा ही चुका है, और आज वैसे भी ज़्यादा धूप नहीं किया था, तो बस अभी मैं फिर भी डाल दूँगी बाहर। और ये जो नींबू का जो छिलका है ना उसको मैं रख लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही काम आता है, हमारा जो किचन का काम करो ना तो हाथ सब गंदा हो जाता है, तो मैं रात को ना इसमें मेरे हाथ को साफ़ करती हूँ। और अभी मैं आई हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने देखा कि बिल्कुल भी धूप नहीं था, फिर भी मैंने इसमें रख लिया है खटिया में। तो बस अभी मेरा जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, तो मिलती हूँ मेरे अगले ब्लॉग में आप लोगों के साथ। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।